हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। डेली करंट अफेयर के सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 12 जुलाई से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस तरह की जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन बना है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, 11 जुलाई। तो 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, ये जो है 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये निर्णय लिया कि जो है हर साल 11 जुलाई को जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाएगा। और इसका जो मेन उद्देश्य होगा जो है लोगों को जनसंख्या के मुद्दों के प्रति जो है लोगों को जागरूक करना, और इसमें जो क्या क्या मुद्दे होंगे, परिवार नियोजन, लिंग समानता और जो है गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों का महत्व, इन सारी चीज़ के बारे में जो है लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना, ये जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का जो है मेन उद्देश्य है। देखिए हर साल विश्व जनसंख्या दिवस के जो है कुछ ना कुछ थीम रखा जाता है, लेकिन इस बार इसकी कोई भी थीम नहीं रखा जाता, जो कि हर एग्ज़ाम में थीम पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार विश्व जनसंख्या दिवस का कोई भी थीम नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में महिला वर्ग में वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो अभी जो है समोआ एक कंट्री है जो है वहाँ पे जो है कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जो खेला जा रहा है उसमें जो है महिला वर्ग में जो है किसने जो है गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी, राखी हालदर और जो है देवेंद्र कौर, इन दोनों ने जो है कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जो है वेट लिफ्टिंग में जो है गोल्ड मेडल जीता है। देखिए कि देवेंद्र कौर जो है 59 किलोग्राम में जो है गोल्ड मेडल जीता है और राखी हालदार 64 किलोग्राम में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, देखिए ये जो अभी मैंने बताया कि ये कंट्री मैप में देख सकते हैं, जो समोआ जो है ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक जो है ये जो है छोटे छोटे आइलैंड मिलकर जो है कंट्री है जिसका नाम है समोआ और इसकी जो कैपिटल है वो अपिया है। ठीक है, देखिए इसमें जो मेन मुख्य जो है दो जो द्वीप है वो है सवाई और ओपोली, जो है मेन दो मुख्य द्वीप हैं, और उसके अलावा छोटे छोटे चार जो है द्वीप मिलकर ये जो है कंट्री बना है। ठीक है, वहाँ पे जो ये चैंपियनशिप जो है खेला जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। भारत का कौन सा शहर है जिसमें जो है 14वीं पार्टियों का एक सम्मेलन जो होना है 2 तारीख से 13 सितंबर के बीच में ये जो एक इवेंट्स होना है, और इसमें जो है इसकी मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, ग्रेटर नोएडा जो है 14वीं पार्टियों की सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। ठीक है, देखिए इसमें जो है पूरे वर्ल्ड से जो है 197 कंट्री जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगी, और इसका जो मेन मुद्दा है मरुस्थलीकरण और जो भूमि संरक्षण और जो है सूखे से कैसे निजात पाया जाए, इन सारी चीज़ जो है इसका मेन मुद्दा होगा। ठीक है, और ये जो है जो पर्यावरण एवं वन और जलवायु के जो मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर, उनकी अगुवाई में जो है ये इवेंट्स होना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। किस रक्षा विभाग ने जो ऑपरेशन थर्स्ट लॉन्च किया है, तो एक अभियान जो है लॉन्च किया है जो है ऑपरेशन थर्स्ट। ठीक है, ये कौन से रक्षा विभाग के द्वारा किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, RPF यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स। तो रेलवे पुलिस फोर्स ने जो है रेलवे परिसर के अंदर जो है अनधिकृत जो है वाटर पैकेजिंग वगैरह होता है उसकी बिक्री होती है, तो इन पर रोक लगाने के लिए जो है ये अभियान चलाया है ऑपरेशन थर्स्ट। ठीक है, इस ऑपरेशन के दौरान उन्होंने 1371 व्यक्तियों को जो है उन्होंने गिरफ्तार किया, जिनको ये पाया गया कि वो अनधिकृत ब्रांड जो है वाटर की उनको जो है सेल कर रहे थे। ठीक है, और रेलवे की बात अगर करें तो रेलवे की जो अभी मिनिस्टर है पीयूष गोयल है, और रेलवे से एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि अभी जो रेलवे में जो है 18 जोन है, जो साउथ कोस्ट रेलवे जो है एक जो है 18th रेलवे जोन बना है, इससे पहले जो है 17 जोन था। तो रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में लेते हैं। भारत में लिंक्डइन के कंट्री मैनेजर किसको नियुक्त किया गया, तो भारत में जो है लिंक्डइन का जो है कंट्री मैनेजर किसको चुना गया, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आशुतोष गुप्ता। ठीक है, आशुतोष गुप्ता को जो है भारत में लिंक्डइन के कंट्री मैनेजर चुना गया है। ठीक है, देखिए आशुतोष जो गुप्ता है ये जो है महेश नारायण की जगह लेंगे। ठीक है, तो महेश नारायण इससे पहले जो है कंट्री मैनेजर थे, अभी उनकी जगह जो है आशुतोष गुप्ता लेंगे। ठीक है, देखिए लिंक्डइन की अगर बात करें तो इसके CEO है जेफ वेनर, और इसका जो मुख्यालय है कैलिफोर्निया, संयुक्त राष्ट्र जो है US में। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन उसमें देखते हैं। फोर्ब्स ने हाल ही में एक सेलिब्रिटी की जो 100 जो है लिस्ट जारी किया है, जिसमें शीर्ष पे कौन व्यक्ति रहे, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट जो है फोर्ब्स की जो है सेलिब्रिटी लिस्ट में सबसे टॉप पर रही है, ठीक है। और इसमें जो है सेकेंड नंबर पर रही है काइला जेनर। काइला जेनर को इन्होंने जो है पीछे करते हुए शीर्ष नंबर पर शीर्ष स्थान इन्होंने ग्रहण किया, ठीक है। इसके अलावा जो है भारत के जो अक्षय कुमार हैं इस लिस्ट में 33 स्थान जो है इनको मिला है, ठीक है। देखिए इसके अलावा जो है 2019 में 185 बिलियन अमेरिकन डॉलर कमाने के साथ जो है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी भी जो है सिंगर टेलर स्विफ्ट बन गई है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में लेते हैं। 1 अगस्त को महिला स्टार्टअप सबमिट जो है आयोजन किया जाएगा, ठीक है। ये 2019 होगा, 2019 में जो है महिला स्टार्टअप सबमिट जो ऑर्गेनाइज की जाएगी, इसकी मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोची, आंसर नंबर डी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये केरल का जो है एक स्टार्टअप मिशन है जो 1 अगस्त को जो कोची में की जाएगी, और इसकी जो मेज़बानी जो है ये कोची शहर जिसकी मेज़बानी करेगा, ठीक है। और ये जो KSUM यानी कि केरला स्टार्टअप मिशन जो है ये एक तरह से जो है उद्यमिता विकास और जो है उष्मायन की गतिविधियों के लिए जो है राज्य सरकार का एक नोडल एजेंसी है, यानी कि केरला का जो है एक नोडल एजेंसी है। बात अगर करें केरला की, तो केरला की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है, और वहाँ की जो मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन है, और राज्यपाल है पी सदाशिवन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में लेते हैं। 2019 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, आज जो है इसमें इंग्लैंड ने जो है ऑस्ट्रेलिया को बीट करके फाइनल पॉइंट पहुंच गया, और फाइनल में जो है इंग्लैंड और जो है न्यूजीलैंड जो है 14 जुलाई को जो है कौन से जो क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जाएगा। तो ये क्वेश्चन है कि विश्व कप 2019 का जो है फाइनल मैच कौन से स्टेडियम में खेला जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए जो है लॉर्ड्स, ठीक है। तो लॉर्ड्स में जो ये विश्व कप फाइनल खेला जाएगा। तो ये कई बार एग्जाम में इस छोटे छोटे फैक्ट्स पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इस तरह के जो चीज़ों को याद रखेंगे। देखिए अगर 2019 जो विश्व कप हो रहा है ये जो है 12वां संस्करण है विश्व कप का, और ये जो है 23 मई से जो स्टार्ट हुआ था, और ये 14 जुलाई को जो है इसका फाइनल हो जाएगा। और ये जो इंग्लैंड और वेल्स में जो है आयोजित की जा रही है, और इसमें जो है 10 टीमों ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया, 10 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें लेते हैं। स्वाधार गृह स्कीम किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो स्वाधार जो है गृह स्कीम जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। तो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, इसका जो मेन उद्देश्य क्या है कि जो कठिन परिस्थिति में जो है जो महिलाएं होती हैं उनको जो है पुनर्वास करना है, इसका मेन उद्देश्य। और इसके अलावा जो निर्जन है और उनके जो है बिना किसी सामाजिक और आर्थिक सहायता के जो है महिला जो घरेलू हिंसा और परिवार तनाव और प्रकृति इन सारी चीज़ों का जो शिकार होते हैं उनको जो है प्रोत्साहित करना, उनके जो है देख रेख करना, उनके लिए जो है हेल्प, उनको जो है हेल्प प्रदान करना, उनकी सहायता प्रदान करना, इसके लिए जो है 24 घंटे जो है एक हेल्पलाइन जो है स्थापित की गई, ताकि इन लोगों को जो है अगर ऐसी जो महिलाएं अगर कॉल करती तो इनकी पूरी तरह से सहायता की जा सके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय विरोधी ग्रुप को प्रतिबंधित कर दिया है। तो केंद्र सरकार ने कौन से जो है राष्ट्रवादी ग्रुप को जो प्रतिबंधित कर दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रो खालिस्तानी जो है समूह, ठीक है। प्रो खालिस्तानी समूह जो है क्या है, एक तरह से जो है इनका जो मेन उद्देश्य है पंजाब को जो है एक स्वतंत्र और संप्रभु देश स्थापना करना जो है इनका एक तरह से मेन उद्देश्य है। देखिए प्रो खालिस्तानी ग्रुप यानी कि द सिख फॉर जस्टिस, ये इनका जो है मेन मोटिव है कि जो है सिखों के लिए जो है एक जो है अलग जो है देश की जो स्थापना करना, ठीक है। और इन्होंने जो है भारत के अंदर जो है बहुत सारी जो है आंतरिक शिक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध इन्हें बहुत सारी ऐसी गतिविधियों में जो है लिप्त पाया गया है, जिसके कारण इनको जो है बैन कर दिया गया है। और ये देखिए जो मेनली जो ये ग्रुप जो है 2007 में बनाया गया, और इसका जो नेतृत्व जो है अवतार सिंह पन्नून और जो है गुरवंत सिंह इन्होंने जो है इसका नेतृत्व करते हैं। देखिए इसमें इस ग्रुप में मेनली जो है 8 से 10 लोग शामिल हैं, लेकिन इनका जो ऑनलाइन समर्थक है जो वो 2 लाख के करीब है, ठीक है। तो एक तरह से इन लोगों की जो गतिविधियां हैं भारत में वो सस्पिशियस गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के कारण इस जो है प्रो खालिस्तानी समूह को जो है
प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर्स। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और प्लीज़ लाइक करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और जो है वीडियो को और अच्छा बनाने में हमें हेल्प मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए वंडरफुल डे अहेड।